प्रथम तहलका न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यमुनानगर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग परेशान है और सरकार हर मोर्चे पर फेल है। बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, इन सब में प्रदेश नंबर वन है, न कि विकास में। वहीं उन्होंने प्रदेश के मौजूदा हालातों पर निशाना साधते हुए कहा कि स्कूल में जाओ तो स्कूल में मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तरों में जाओ तो कर्मचारी नहीं, कानून व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं। जहां तक विकास का सवाल है, सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के ये हालात हैं कि हरियाणा के अंदर 63 स्कूल ऐसे हैं जहां पर कोई भी टीचर नहीं है, वहां बच्चे कहां जाएंगे, और 40 स्कूल केवल ऐसे हैं जहां पर एक ही टीचर है। वहीं उन्होंने कहा कि यमुनानगर के अंदर भी कई ऐसे स्कूल है जहां केवल एक ही टीचर है। प्रदेश बिजली के संकट से जूझ रहा है, लगातार प्रदेश में कई घंटों के कट लग रहे हैं। ये सरकार 24 घंटे बिजली देने की बात करती है। प्रदेश के हालात ये आज ये हैं कि अगर स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, और जो इसका कानून व्यवस्था नाम का तो नाम ही नहीं। और जहाँ तक सवाल है विकास का, उसके पास जाने में पैसा ही नहीं। और क्राइम का अपराध बढ़ रहा है। अब यहाँ तक का हालात है कि 63 स्कूल ऐसे हैं हरियाणा में जहाँ एक भी टीचर नहीं, कहाँ जाएंगे उनके बच्चे। 40 ऐसे हैं जहाँ केवल एक टीचर है। और यहाँ मतलब यमुनानगर इसमें भी काफी स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक एक टीचर है। तो इस प्रकार से बिजली का देख रहे हैं आप। अभी हम जब कार्यक्रम में थे डॉक्टर शर्मा के, बिजली घंटों कट जाता है, 24 घंटे बिजली देने की बात करके। यमुनानगर में भी अगर कट होता बिजली का, जहाँ पे थर्मल पार्ट हमने लगाया था, ये कंडीशन में भी 24 घंटे बिजली रहेगी यहाँ, क्या क्या उसका। तो हर प्रकार से सरकार जो है बिल्कुल विफल है। किसान के साथ आपके जो किसान की फसल है गेहूँ की, वो 50% के करीब कम हुई है। उसके कई कारण है, और एक कारण का उसका मुख्य जो है वो बेमौसमी भी वो है, और इतनी कम पिछले साल से कम फसल होने के बावजूद भी जो खरीद जो हो रही है वो ठीक ढंग से नहीं हो रही, क्योंकि भाव मंडी में जो खरीद हो रही है FCI के गोदाम तक नहीं पहुंच रही। और जब तक FCI के गोदाम तक नहीं पहुंचेगा तो किसान को पेमेंट नहीं मिलती, तो किसान यूं लटका रहता है। दूसरा जो बेमौसमी जो मौसम खराब हुआ और उसकी वजह से जो दाना जो है वो कहीं कहीं पिचक गया, अब किसान ले जाता है वहाँ, और वो फिर जब आड़ती लेके जाता है FCI में तो FCI रिजेक्ट कर देती है, तो क्या किसान करेगा भाई। तो हर बार परेशान है। इस दौरान OP चौटाला द्वारा उन पर की गई बयानबाजी पर भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार किया और कहा कि वो अपना परिवार देखें, सब अलग अलग पार्टी में हैं। बता दें कि OP चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस में नहीं चल रही है, इसीलिए वह अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को आगे कर रहे हैं और नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं। इस बयान पर पलटवार करते हुए हुड्डा ने कहा कि OP चौटाला अपनी पार्टी देखें, उनका बेटा कहीं और है पर पोता कहीं है, वह अपने आप को देखें, मैं अपने आप को देखने में सक्षम हूं। वहीं जब सवाल किया गया कि चौटाला ने ये भी कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस में कोई वजूद नहीं है, तो इस पर भी हुड्डा ने चौटाला पर पलटवार करते हुए कहा कि दरअसल वह अपनी पार्टी की बात करते हैं, उनकी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, केवल एक ही MLA है। वहीं पंचायत चुनाव ना होने पर भी हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये BJP JJP में इतनी हिम्मत नहीं है जो लोगों का सामना कर सके, इसलिए पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट ही है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है।
ओपी चौटाला ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस में नहीं चल रही, इसलिए अपने बेटे को आगे कर रहे और नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं। वो अपनी पार्टी देखे ना, हुड्डा साहब ऐसे समझ बेटा कहीं है, पोता कहीं है, पड़पोता कहीं है, उनको ऐसे समझ अपने अपने को देख ले। मेरे को हुड्डा जी ऐसा समाचार मिल रहे हैं, मैं सक्षम हूँ खुद देखने के लिए। वो आपने देखा ने अभी कहा कि हुड्डा का कांग्रेस में कोई वजूद नहीं बचा। अपनी पार्टी की बात कर रहे उनका बता एक एमएलए है उनकी सर पंजाब में। सर लंबे समय से जो है पंचायतें भंग पड़ी हैं, पंचायत चुनाव नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो पार्टी बीजेपी और जेजेपी है इनकी हिम्मत नहीं है लोगों से। सर युवाओं को लेकर कितनी भागीदारी रहेगी विधानसभा चुनाव में, आने वाले चुनाव में? हमारे तो चुनाव जो बता देंगे दो साल है। सर क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस पुनः एकजुट हो गई है या इसको करने के लिए और प्रयत्न करना पड़ेगा? कांग्रेस सदैव एकजुट थी, आज भी एकजुट और कल भी एकजुट रहेगी। हुड्डा में हुड्डा कांग्रेस में इतनी बड़ी गुटबाजी है हर कार्यों को लेकर, यहाँ तक पता लगा है सूत्रों से कि जो सदस्यता अभियान था कांग्रेस का उसमें भी गुटबाजी चली, कुछ लोगों का सदस्यता अभियान भी रद्द कर दिया। ऐसा है ये गुटबाजी की खबरें आपके पास ही होती है? नहीं ये तो हकीकत है, कांग्रेस में कोई नहीं, ये तो प्रमाण है उस चीज का, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। सर जो विधायकों की पेंशन को लेकर मामला जिस प्रकार से पंजाब के अंदर बंदी उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सर देखिए यहाँ तो पहले ही विधानसभा ने पास किया हुआ है 1,00,000 रुपये अपर लिमिट रखी हुई है, हरियाणा पहले ही किया था, तो आप बात कर रहे हैं। लेकिन ये कौन कौन बात कर रही है? वो पार्टी बात कर रही है जब दिल्ली में सरकार बनी वहाँ 1,00,000 रुपये तनख्वाह दी MLA की, 1 से 5 कर दिया, तो LG नहीं माना। प्रथम तहलका के लिए यमुनानगर से वीना अरोड़ा की रिपोर्ट।